वेलकम स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.4, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है ना, उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ठीक है, सो हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और साइन यूज में लेना है। ओके, ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल्स टू, तो उस फ्रैक्शन के बीच में आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो टोटल पार्ट्स हैं। ओके, 8 में से आपके शेडेड हैं 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स। नेक्स्ट, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक में 8 पार्ट करे हैं। ओके, एंड इसके अंदर शेडेड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पार्ट शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 6/8, इसका हो गया 4/8। ओके, लास्ट वन हो गया आपका 3/8, 3 पार्ट शेड किए हुए हैं 8 में से। नाउ इनको अरेंज करना है। अब आप अरेंज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि भाई इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल बनाएं। यहाँ इक्वल ही है तो अब हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब बस कंपैरिजन सिर्फ न्यूमरेटर्स का होगा। डेट्स वाई है ना, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया जाता है। देखिए, 3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में आपके आ जाएंगे सबसे पहले 3/8, देन उससे बड़ा 4/8, देन उससे बड़ा 5/8, देन सबसे बड़ा 6/8। देखिए, जिसके इधर ओपन माउथ है वो बड़ा है, एंड जिसके इधर टेल है वो छोटा नंबर। अब डिसेंडिंग, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं बेटा बड़े से छोटा। असेंडिंग छोटे से बड़ा, अब ये बड़े से छोटा है, तो सबसे पहले आएगा 6/8, देन उससे छोटा 5/8, देन उससे छोटा 4/8, एंड देन सबसे छोटा 3/8। नेक्स्ट पार्ट, 9 टोटल पार्ट्स हैं, इसमें से 8 पार्ट आपके शेडेड हैं। नेक्स्ट वाले में 4 पार्ट शेडेड हैं 9 में से, देन 3, देन 6। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अब कंडीशन वही है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम ही दिया हुआ है। तो अब डायरेक्ट बस न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे। सबसे छोटा 3/9, देन उससे बड़ा आपके है बेटा 4/9, देन उससे बड़ा 6/9, देन सबसे बड़ा 8/9। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा 8/9 सबसे बड़ा, देन उससे छोटा 6/9, देन 4/9 उससे छोटा, एंड सबसे छोटा 3/9। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट भी फिनिश। सी पार्ट, शो बीस फ्रैक्शन और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको है ना रिप्रेजेंट करना है, एंड यहाँ पे कुछ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं ग्रेटर देन है ना, लेसर देन और इक्वल्स टू में से। सो अभी आप देख रहे हो इस फ्रैक्शंस के ना डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ कंपैरिजन डायरेक्ट न्यूमरेटर का होगा। 2 सबसे छोटा, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो गया, देन 4/6 उससे छोटा है ना, इसके कंपैरिजन में तो बड़ा है, बाकी सेकंड नंबर पे आ गया 4/6, देन थर्ड नंबर पे 6/6, एंड फिर सबसे बड़ा 8/6। सो आप बताइए 5/6 और 2/6 में से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है इक्वल। सो डायरेक्ट न्यूमरेटर का कंपैरिजन 2 छोटा है ना, तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो गया आपका 5/6, तो ये वाला साइन आपके आ जाएगा, ओपन माउथ आ जाएगा 5/6 के इधर, एंड जो छोटा है उसके इधर टेल आ जाएगी 3/6 और 0। ओके, सो इसको कंपेयर करने का सबसे बेटर वे ये होगा कि आप 0 के डिनोमिनेटर में 6 लगा लीजिए। बिकॉज वाई, क्योंकि हम अगर 0 को 6 से डिवाइड करते भी हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो हमें गिवन था ना नंबर वही का वही आ जाएगा। बिकॉज 0 और वी कैन से 0/6 कोई फर्क नहीं है, 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आएगा। मैंने क्यों 6 से डिवाइड कर दिया, जिससे डिनोमिनेटर सेम दिखे और सिर्फ हमको कंपेरिजन करना पड़े न्यूमरेटर का। सो 0 और 3 में कौन बड़ा बेटा, 3 बड़ा, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। सो 3/6 इज ग्रेटर देन 0/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 1 और 6 का कंपेरिजन करते हैं न्यूमरेटर्स का, 6 बड़ा होता है, ठीक है। सो अब किसे ओपन माउथ इधर आ जाएगा, 6 और 6 डिनोमिनेटर सेम है, सो कंपैरिजन ओनली न्यूमरेटर्स का, 5 छोटा है 8 बड़ा है, सो ये वाला साइन इसके इधर आ जाएगा। अब बस इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, देन सी पार्ट भी टोटली है ना पूरा फिनिश हो जाएगा। सो व्हाट इज नंबर लाइन, नंबर लाइन
जिसका सेंटर जीरो हो और जीरो के इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हो और राइट साइड में पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पे गैप है ना ज़्यादा ले लिए, वाई, बिकॉज मेरे चारों ही पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं, सो मुझे ओनली राइट साइड में ही नंबर चाहिए। अब ये प्रॉपर गैप पे होना चाहिए, ठीक है, ये कहलाते हैं डिविजन्स, एकक, ये प्रॉपर गैप पे होना चाहिए। अगर आपने पहला वाला 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लिया है तो सेकेंड वाला भी 1 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से ले लीजिएगा, ओके, देन 3 सेंटीमीटर, 4 है ना, 5, 6, 7। वाई देखो हम है ना क्यों इक्वल गैप पे लेते हैं, रीजन इज क्योंकि जो डिनोमिनेटर इक्वल है ना, ये डिनोमिनेटर गैप को शो कर रहा है। 2/6 का मीनिंग है बेटा 2 × 1/6, ओके, ऐसे ही 4/6 का मीनिंग है आपके 4 × 1/6। हर एक पार्ट में जो गैप है वो 1/6 की है, हर एक डिवीजन में जो गैप है वो 1/6 की होना चाहिए। तो पहला जो डिवीजन आएगा वो है 1/6, अगले पार्ट में 1/6 + 1/6, सो इट्स 2/6। बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को बढ़ाते हुए चलना है, डिनोमिनेटर सेम है। कंडीशन यही है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जो गैप होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। बस आप एक एक इंक्रीमेंट इसमें करते जाइए, ये 5/6, ठीक है, 6/6, नेक्स्ट डिवीजन 7/6, एंड देन एक और डिवीजन की जरूरत पड़ेगी हमें, सो 8/6। ये प्रॉपर गैप पे इसलिए होना चाहिए, हर एक डिवीजन के बीच में गैप बराबर होना चाहिए, है ना, यानी कुल मिला के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और सिर्फ इंक्रीमेंट किस में हो रहा है आप देख रहे हो, न्यूमरेटर्स में। अब रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2/6 को रिप्रेजेंट करना है तो इधर सर्किल कर देते हैं, देन 4/6 को करना है, देन 6/6 को करना है, एंड देन 8/6 को, तो बस उन्हीं को मार्क किया है जिनको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं दिए तो इक्वल बनाओ यूजिंग एलसीएम मेथड, ओके। अभी यहाँ तो इक्वल ही दिया हुआ था बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर है वही गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, 1/6, 2 × 1/6 इज इक्वल टू 2/6, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट फिनिश।